Tuberculosis Day is 24th March. आइए tuberculosis के बारे में कुछ चर्चा करें, because it remains a significant public health challenge in India. Government recognizes कि 50% लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको टीबी है, 90% में ये लेटेंट प्रॉब्लम है और 10% में ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है. हमें ये भी मालूम है कि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इज सिग्निफिकेंट इन मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया. स्टिग्मेटाइज इंडिविजुअल्स डिले करते हैं सीकिंग द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट. उनको डर लगता है कि उनको आइसोलेशन हो जाएगा, घर से बाहर कर देंगे, एंड देयर आर बहुत सारी तरह के रिपरकशंस पर्सनल और प्रोफेशनल होती है. नाउ सतर्कता ही है टीबी का इलाज. अगर आपको एक्टिव केसेस में जो 10% पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, अगर लगातार बुखार खांसी की समस्या बनी हुई है, वजन में कमी व थकान हो रही है, तो ये टीबी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. दरअसल ये बैक्टीरिया जनित गंभीर संक्रमण है और हर वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं. टीबी का संक्रमण फेफड़ों, मस्तिष्क, हड्डियों में होता है, पर कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पर टीबी की बीमारी नहीं होती, चाहे वो आंखें हो, चाहे यूट्राइन कैविटी हो. मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूं तो कह सकती हूं कि जब यूट्राइन कैविटी के अंदर और ट्यूब्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इनफर्टिलिटी से स्पेशलिस्ट के पास. ना होता क्या है टीबी, क्यों होती है ट्यूबरक्लोसिस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस? जब टीबी का कोई मरीज खांसता है तो ड्रॉपलेट पार्टिकल निकलते हैं और इसके संपर्क में आने पर संक्रमण होने की प्रबल संभावना रहती है. वैसे तो टीबी का जोखिम हर किसी को रहता है, पर जो लोग संक्रमित रोगी के आसपास रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी कम है तो उनकी संभावना बढ़ जाती है टीबी को लेने की. असावधानी और जहाँ पर भी स्वच्छता नहीं है इसका मेन कारण है. जहाँ पर जो बस्तियाँ घनी बसी होती हैं, जैसे शरणार्थी कैंप, स्लम्स, जेलों में टीबी का ट्रांसमिशन अधिक होता है. अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो उसके खांसने से अनेक व्यक्तियों को, घर के अनेक अदर व्यक्तियों को भी टीबी की आशंका हो जाती है. दूसरा, यदि किसी की किडनी कमज़ोर है, लिवर कमज़ोर है, कैंसर है, एचआईवी है, ऐसी कई सारी जो बीमारियां हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें भी इसका संक्रमण बढ़ जाता है. बचाव के लिए क्या करेंगे? बचाव के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए, ये गंभीर संक्रमण को रोकता है. अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल ऐसे करना चाहिए कि आप स्वस्थ रहें, जिसमें कि आपके रेगुलेटेड न्यूट्रिशनल डाइट हो और एक्सरसाइज करें. डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसका इलाज कराएं और देखें कि शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है. दिनचर्या को नियमित करें, समय पर भोजन और समय पर सोएं. टीबी के इलाज को बीच में ना छोड़ें, ऐसा करने से दवाइयों का असर बंद हो जाता है. 12 से 15% मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है और इसका इलाज डिफिकल्ट होता है. आज अच्छी दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं जो कि टीबी का इलाज पूरी तरह से कर सकती हैं, पर अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो उसका इलाज मुश्किल, महंगा और डिफिकल्ट होता है. सरकारी स्तर पर निःशुल्क दवाएं मिलती हैं और सरकार
कुछ भत्ता भी देती है अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का। सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो टीबी के केसेस को ट्रीट करते हैं उनको सरकार को नोटिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस इलाज को बीच में ना छोड़े। सो आइए मिलकर टीबी का एंड करें।